नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा। आज मैं एक खास टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और ये मुझे ये आप तक ये बात पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना वायरस, जी हाँ, कोरोना वायरस जो कि पूरी वर्ल्ड में धमाल मचा रखा है। कोरोना अब बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और ये इसका जिम्मेदारी हम ही हैं। अगर हम सचेतन हो जाएंगे ना तो ये कोरोना वायरस आगे नहीं बढ़ पाएगा। पूरी इंडिया में अब सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है। उसका मतलब है कि हमें हमारे घर में रहना है, घर के साथ घर के बाहर मत जाना। मत जाना मतलब मत जाना, चाहे जितनी भी ज़रूरी हो। 21 दिन आपको टाइम मिला है, 21 दिन अपने घर में ही रहना है। तो घर पे रहिए, इस कोरोना वायरस का फैलने से उसको रोकिए और उससे बचने की कुछ टिप्स मैं देती हूँ, उसको फॉलो कीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि कोरोना वायरस किस किस को होता है। जिनका इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है उनको ही ये कोरोना वायरस हो रहा है। अगर हम हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देंगे ना, ये कोरोना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। कोरोना से डरने की कोई बात ही नहीं रहेगी। तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिकॉशन लेना है। क्या करना है? हमें घर पे रहना है, किसी से मिलना नहीं है, किसी को टच नहीं करना है, गैदरिंग में जाना ही नहीं है, अपने घर में रहना है, सैनिटाइजर यूज करना है। ये तो सभी ने बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ खास बात बोलना चाहती हूँ कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, अपने अंदर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाइए जो कि आपके अंदर ही है। आप खुद लड़ सकते हैं कोरोना से, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, मंत्र जप, नाम जप, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात ही कर रही हूँ। हमारी अंदर की इम्यूनिटी पावर को मंत्र जप से बढ़ाया जा सकता है। वो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र और एक मंत्र है श्री अरविंद के गायत्री मंत्र। जी हाँ, ये दोनों मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी और बता भी दे रही हूँ। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हाँ, इस मंत्रों को सुबह शाम जप कीजिए। और एक मंत्र है श्री अरविंद की गायत्री मंत्र, वो भी दे रही हूँ। ओम दस्य विदुर्वरम रूपम ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत्। जी हाँ, ये दोनों मंत्रों को हमें चांट करना है सुबह और शाम। दिन भर करो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और एक नाम जप, आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम जप करिए। अब टाइम आ गया है, 21 दिन आपको टाइम मिला है, खाली बैठ रहे हो, इसके बदले ये करना बहुत ज़रूरी है, तो कर लीजिए। और एक बात ये है कि मेडिटेशन करिए, घर पे ध्यान कीजिए, योगा करिए। योगा क्लासेस बंद हो गई है पता है, लेकिन घर पे तो कर सकते हैं ना, घर पे कीजिए योगा। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। हाँ, एक और बात कहनी है कि गाढ़ा पीजिए, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है कोरोना के अगेंस्ट हमें लड़ने के लिए। गाढ़ा कैसे बनाएंगे? गाढ़ा पानी में चाय की पत्ती, लौंग, तुलसी पत्ता और काला मिर्च, नीम, ये सब को उबाल के उसको छाँक के उसको पीजिए। उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही बढ़ेगी। अपनी बात कहनी थी, कह दिया, इसको फॉलो करिए।
सुस्त रहिए, खुश रहिए। जो कहना था मैंने कह लिया, अब आपको ये करना है। आप सोचिए आपको क्या करना है, करुणा को अपने अंदर लाना है या उसको भगाना है। करुणा को भगाने की ये एक ही तरीका है, खुद सचेतन हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 21 दिन मिला है आपको, घर पे रहो, अपनी परिवार के साथ रहो और ये जो ट्रिक्स मैंने दिए हैं वो फॉलो करो। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको पता चले। थैंक यू।